ये शहजादा मोहम्मद मुस्तासिफ खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम लक्ष्मी चौक के एक प्रिंटिंग प्रेस पे मौजूद हूँ, जहाँ से मेरे सोर्स थे, हमारे सोर्स ने बताया कि जनाब यहाँ पर 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो गए हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब मानसहरा वाली सीट हार गए हैं, उसके बैलेट पेपर जो है वो छापे जा रहे हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे तो ये प्रिंटिंग प्रेस के हालात है जनाबे वाला, ये देख लीजिए, जरा क्लोज दिखाइए। NA15 मानसहरा, ये शहजादा मोहम्मद मुस्तासिफ खान साहब जो जीते हैं, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो यहाँ से इलेक्शन हारे। और ये देखते जाइए कि पेपर है कितने, आप ये देखते जाइए, ये सारे पेपर हैं और ये बैलेट पेपर है, ये सब के सब बैलेट पेपर्स हैं। हम लोग जब यहाँ पे आए, वो रिकॉर्ड डिटेल वीडियो जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग यहाँ पर आए तो जो यहाँ पर स्टाफ था वो तो कहना अभी स्टार्ट हो गया, कि हमें तो अभी 2 घंटे पहले ऑर्डर आए और हमने ये छापने शुरू कर दिए। हालांकि बैलेट पेपर कोई भी प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान का, सरकारी प्रिंटिंग प्रेस के अलावा कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं छाप सकता। टिप आई थी, टिप के ऊपर काम करते यहां पर पहुंचे तो आगे जनाब बिल्कुल ये दिन दिहाड़े यहां पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इलेक्शन हार चुके हैं NA15 मानसहरा का, उसका जनाबे वाला यहां पर बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं। और ये आपकी और मेरी जमहूरियत है। और अभी 15 पे कॉल कर दी है, पुलिस आती है तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वो मुंह इधर ऊपर करो, रुकिए रुकिए रुकिए, लेकिन ये क्या छाप रहे हो? क्या नाम क्या आपका? कमाल नाम क्या भाई? दास भाई दास। दिखाएं जी, ये दिखाएं कैमरा, इस तरफ कैमरा ऊपर करें मेरी। NA15 मानसहरा। अच्छा जी, ये जी बैलेट पेपर है NA15 मानसहरा के। कौन कौन से छाप चुके हैं? मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, मोहम्मद हारून साहब का, बाकी कहाँ छपे? कटो भी कटो था, ये पकड़े जी, अभी भी इलेक्शन हो चुका हुआ है और उसके साथ इलेक्शन बाद जनाब कितना बैलेट पेपर जनाब तमाम लक्ष्मी चौक जनाब से बैलेट पेपर फाड़ लेने। हाँ जी जनाब, अब देखो गुस्ताफ खान जहाँ से नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं, और ये नवाज शरीफ साहब NA15 जमहूरियत का ये आलम है नवाज शरीफ। इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है, सुबह 11 लोगों पर FIR दर्ज हुई है कि जहां से जिस जमात का वो है, जो वर्कर्स जिस जमात को सपोर्ट करते हैं, वो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना ना बने वरना। बिस्मिल्लाह रहीम, 8 बज गए और मुझे Form 45 नहीं मिला तो मैं RO के दफ्तर गई हूँ और साथ बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, उन्होंने हमारे पर हमला किया, डंडे मार मार कर और माँ को धक्के दे दे कर हमें निकाल दिया गया है। हाजा सब इलेक्शन हार चुका है और वो DPO RO और DPO के साथ मिलकर पूरी धांधली के साथ मेरे इलेक्शन को हार की शक्ल में बदल रहा है, मेरी जीत को मैं विन कर रही थी।